सारिम के पापा शॉपिंग करने आए हैं। सारिम की पहले मैं आती होती हूँ, आज बाबा शॉपिंग कर रहे हैं। आज ये वाली भी दे दो, वो वाली पैंट भी दे दो। मैंने भी शॉपिंग कर ली है और ब्रैंड ने भी कर ली है। जी ये क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या आप लोगों ने प्रैंक किया है? और ना जैसे कि लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी थोड़ी सी स्किन केयर शेयर करूंगी, ठीक है, जो लोग मेरा व्लॉग देखते हैं, जो गर्ल्स देखती हैं उनके लिए। सो कल वाला जो व्लॉग था उसमें मैंने थोड़ी सी शेयर की थी ना, सो जो इसकी स्किन केयर जो है ना आज की, वो भी मैंने आपके लिए शूट की है, वो भी मैं आपको यहाँ पे आगे लगा देती हूँ, वो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। मीनवाइल जैसे कि कल वाले व्लॉग में मैंने बताया था कि मैं आप लोग को अपनी जो है ना स्किन केयर रूटीन थोड़ी सी शेयर करूंगी, जो कि डे बाय डे डिफरेंट है। तो कल जो मैंने की थी वो जिन लोगों ने ब्लॉग देखा उन्हें पता चल गई होगी। सो खैर अभी ना मैंने थोड़ा सा थ्रेडिंग की है जिसकी वजह से मेरी स्किन रेड है। खैर इसके बाद हमने अप्लाई करना है सबसे पहले स्किन पे टोनर, क्योंकि जल्दी से मैं आपको ये अपना गेट रेडी और स्किन केयर आज की बता दूँ, क्योंकि ना बच्चों ने आ जाना है, बहन आने वाली है स्कूल से, बेल बजने वाली है और आज एक स्पेशल डे भी है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। लेकिन पहले जल्दी से ना क्विक सी स्किन केयर कर लेते हैं। सो या सबसे पहले एज यूजल मैं अपना ये टोनर लगाऊंगी, ठीक है, टी ट्री टोनर है ये, और ये बाली स्किन का है, बस वन ड्रॉप, ठीक है, इस तरह से मैं लगाती हूँ, इसको लगा लेंगे। ओके जी, इसको अप्लाई करने के बाद सेकंड स्टेप पे आज मैंने क्या करना है, आज मैंने अप्लाई करना है नियासिनामाइड सीरम, ठीक है, ये वाला ऑर्डिनरी का है और ये है जी 10% नियासिनामाइड और जिंक 1% है इसमें। सो ये वाला लगा लेते हैं, ओपन कर लेंगे। अच्छा इसको भी लोग ऐसे लगाते हैं, ऐसे ना मुझे सूट सेट नहीं बैठता, मेरी स्किन ऑयली हो जाती है, सो मैं ऐसे लगाती हूँ, टू ड्रॉप्स ले लूँ बस, और ऐसे ये करता कि ये आपके ना पोर्स क्लोज करता है, तो जिन जगहों पर पोर्स है ना ज़्यादा वहाँ पर आप लगाएं टैप टैप करके। इससे होगा क्या कि ना गर्मी है तो मेरी स्किन ज़्यादा ऑयली भी नहीं होगी, अगर जब इस तरह से लगाते हैं ना स्किन बहुत ज़्यादा मेरी ना ऑयली सी हो जाती है। खैर ये दोनों चीज़ें अप्लाई कर ली हैं और थर्ड चीज़ जो मैं अप्लाई करूँगी अब वो क्या है, वो है जी मेरी बीबी क्रीम। एज यूजुअल एज पर रूटीन बीबी क्रीम अप्लाई करती हूँ और जल्दी से गेट रेडी करती हूँ, फिर आती हूँ वापिस। चंचना ओके जी गाइस, मैं हो गई हूँ क्विक सा रेडी, ठीक है, और ये वाली लुक जो है ना मैंने आज डिफरेंट मेकअप से की है। सो ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी थी, वीडियो नहीं बना सकती थी क्योंकि बच्चे आने ही वाले हैं, आज फ्राइडे है, इसलिए मैंने सिर्फ अपनी स्किन केयर जो है वो शेयर कर दिया आप लोगों के साथ। लेकिन ये लुक भी मैं इंशाल्लाह ताला किसी दिन आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी, ठीक है जी। और गाइज हुरैन इज हियर, हुरैन छुप रही है। और ना गाइज आज है डिफेंस डे, तो मेरी तरफ से सबको बहुत ज़्यादा हैप्पी डिफेंस डे, ठीक है जी। 6 सितंबर है आज और डिफेंस डे है, और हुरैन के स्कूल में भी था फंक्शन और डिफेंस डे का, और हुरैन आ गई। हुरैन छोड़ो ना मुझे, हुरैन आज ये दोबारा से गरारा पहन के गई थी, और गरारे की क्या स्टोरी है कि रात में हुरैन को जब स्कूल से 10 बजे मैसेज आएगा सुबह डिफेंस डे सेलिब्रेट करेंगे और बच्चों को वाइट या ग्रीन कपड़े पहना कर भेजें, तो आप देखें कि मैंने रात को उस टाइम 11 बजे इनके ये ड्रेसेस धोए हैं उतरवा के, और रात को 1 बजे धो के फारिग होके इनको ड्राई किया है, फिर उसके बाद सुबह मैंने इन्हें प्रेस करके रेडी करके प्यारी सी गुड़िया बनाकर हुरैन को फिर मैंने स्कूल भेजा है। टंटना ये देखें, और हुरैन इतनी हैप्पी थी कि मम्मा ने हमारे ड्रेसेस जो हैं वो रेडी कर दिए दोबारा से। खैर एक मिनट, हुरैन को इतना अफसोस हो गाइस, इतना अफसोस हो के मम्मा आपने हमें ये ड्रेसेस क्यों दिए हैं, हमने ये ड्रेसेस नहीं पहनने थे घर में। मैंने कहा छोटे हो जाएंगे चलो पहन लो, पता ही नहीं था कि डिफेंस डे आने वाला। हुरैन को सुकून तो नहीं है, बात नहीं करने दे रही जी। जी रात को यही लेट कर सोच रही थी अब मैं सुबह क्या पहन के जाऊंगी, जब मैंने मुझे निकाल के देती ना, जब मैंने मुझे नहला के ये कपड़े पहने थे।
तो मेरे दिल में भी आया था कि डिफेंस डे हमारा शायद आने वाला है, तब मैं पहन लूंगी, लेकिन मैंने बोला नहीं। अच्छा चलो, आप पहन लिए ना, गुड हो गया, गुड। टीवी का बटन टीवी करते हैं, टीवी करते। तो मैंने हुरैन को शावर वगैरह दिया है और लुक कौन आ गया है, हमारी फातिमा जी आ गई है। कैसा रहा डिफेंस डे बाहर? आओ इधर, टीवी चल रहा है हम दा बाहर, इधर। वालेकुम अस्सलाम, कैसा रहा डिफेंस डे? आधी रात को मुझसे कपड़े वॉश करवाए, आधी रात को मैंने इनकी तैयारी की। और अब चेक करो जरा, ऐसे नहीं कहते। चलो आपको पता तो चला होगा ना डिफेंस डे क्या होता है, डिफेंस डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं, ये तो पता चला होगा ना। बताओ सारी, क्या होता है डिफेंस डे, क्यों सेलिब्रेट करते हैं? बिना फजूल टेस्ट, डिफेंस डे वाले दिन बस टेस्ट होता है, कुछ नहीं। टेस्ट होता है, गेम पीरियड हुआ है, वो भी फजूल, सारे बड़े बच्चे आ गए। सारिम का तो आज सब कुछ फजूल ही हुआ है, और हुरैन ने टीवी ऐसे चलाया ना जैसे सिनेमा हाउस होता है। बंद करती हूँ अभी जरा, इसको नहीं पता टीवी की वॉल्यूम कम करो, व्लॉग बन रहा है। बंद कर दिया मैंने। अब मैं लगी हूँ लंच रेडी करने आप लोगों के लिए। लंच में क्या है? सरप्राइज है, सरप्राइज है। आलू बैंगन, आलू बैंगन। तो जब तक ख़त्म नहीं करोगे ना फ्रिज में से, एक दिन खाए हैं एक टाइम, ख़त्म करो इनको, फिर मैं नई चीज़ पकानी है। यहाँ से मैं निकालूँ, ये देखें, ये देखें। ओ बिस्मिल्लाह, ओहो। ये देखो भाई, क्यों खाएंगे सब, इतना मजे का सालन है, ना खाओ। जिसको भूख नहीं है वो ना खाए, खुशी से शोर से 10 मिलियन टाइम्स वो ना खाए, रोजा रखे जो मर्जी करे। गाइस आज सारी ने पैंट पहनी है ना, शॉर्ट पहनता है, इतना बड़ा बड़ा लगता है, मोटा मोटा तो आज पतला लग रहा है और छोटा लग रहा है, आज छोटे छोटे लग रहे हो सारी। ये शीशा तोड़ना है आपने, है डिफेंस डे का गुस्सा इसमें तोड़ना। नहाओ, चलो हुरैन ने नहा भी लिया, देखें गाइस हुरैन ने शावर लिया, इतनी प्यारी हैं, फ्रेश हुई है। नहीं नहीं नहाना है, बहाने नहीं लगाने, नो नो। हाँ जी गाइस, तो मैंने ना मज़ेदार से गोभी कह रही हूँ, आलू बैंगन की भुजिया के ना पराठे बनाए हैं बहुत मज़े के। और ये देखें, ये मेरा है, बन रहा है ज़बरदस्त। और बाकी इसमें रात हो गया मुझे, लेकिन कोई बात नहीं। और ना बाकी जो है ना, सलमान हमदा हुरैन सब खा रहे हैं, मज़े उड़ा रहे हैं। और ये सारी भाई का पड़ा हुआ, उसका बन गया, सो वो बस आ रहा है शावर लेकर। और मैंने कहा आज ना पराठा पार्टी करते हैं, क्योंकि भुजिया ख़त्म करने का ना तरीका एक ही है, चाहे कोई भी सालन की भुजिया हो, अगर नहीं ख़त्म हो रही तो आप उसके पराठे बना लेंगे। ये वो है टिप है आप लोगों को भी, तो इस तरह से फिर बच्चे खा लेते हैं, सब शौक से खा लेते हैं, सालन ख़त्म भी हो जाता है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है जी गाइस। तो खाना शाना हमने खा लिया था, और खाना शाना खाने के बाद हम निकल आए हैं बाहर। क्यों आए हैं बाहर ये आपको सारिम बताएगा। चले भाई बताएं सारिम, क्यों आए हो बाहर? शॉपिंग करने। किसकी शॉपिंग? सारिम की शॉपिंग होने लगी है। और ये है हमदा, हमदा का ये हुरैन है, और ये है हमदा, ये सोई हुई थी, बस इन्हें उठा के जल्दी गाड़ी पे डाला है। और सारिम बस जल्दी से रेडी हुआ है, और सारिम ने ना आज बाबा को ऐसे एक्टिंग करके फुल दिखाई है ना, कि बाबा जो है ना, ये देखे गाड़ी में बैठे जा रहे अपने बेटे की चीज़ें लेने शॉपिंग करने, ऐसे बिंदास बाबा बन के कि मैं लेके देता हूँ अपने बेटे को क्या चाहिए, मैं लेके देता हूँ अपने बेटे को क्या चाहिए, आज ना वो वाला सीन है। हैं बाबा जी, जरा बताएंगे आप सारिम की? पहले भी मैं ही लेके देता हूं। पहले भी आप ही लेके देते हैं, लेकिन वाह आज कुछ सब अलग है, कुछ भी अलग नहीं है। चले जी जाते हैं सारिम की, गए हमने लेनी है पैंट्स, और सारिम का ट्राउज़र वगैरह लेंगे, क्योंकि पहले इसकी शॉर्ट्स थी ना, तो अब मौसम चेंज हो रहा है, तो फिर सारिम को पैंट्स की ज़रूरत है और शॉर्ट्स की ज़रूरत है। और इसकी पहले वाली छोटी हो गई हैं, और जो शॉर्ट्स हैं वो तो ये पहन रहा था, लेकिन अब मौसम आ गया, आपको पता है 10 दिन तक तो बिल्कुल शॉर्ट्स वगैरह नहीं पहनी जाएंगी बच्चों से, तो अभी हमने का टाइमली इसकी चीज़ें ले लें। सो बस चलते हैं और फिर लेते हैं। जी गाइस हम लोग आ गए हैं यहाँ पर ब्रांड स्टोर शॉप है, ये देखो यहाँ से लेंगे सारी चीज़ें। ये देखो मिलती हैं, ये तारो मास, ये ऐसे लगा लिया इसने, अपना ही शिशका है इसका।
चले चले जाए। सही सही है, सही सही है। हाँ ये वाला बहुत अच्छा। हाँ दोनों ये देखो, ये पैंट और भी देख लो, कोई एक और देख लो। गाइस सारिम के ट्राउजर्स ले रहे हैं, ये नहीं ट्राउजर नहीं अब लेना हमने, अब हमने जीन्स ही लेनी है, दो ट्राउजर ही ठीक है। गाइस सारिम गया है ट्रायल करने पैंट का, और ये बाबा बैठे हैं, हम बहन बैठे हैं, और ये काफ़ी बड़ा स्टोर है, यहाँ से हमने लिए है सारिम की चीज़ें, और काफ़ी वैरायटी है। चलेंगे सारिम को पापा ने पैंट भेजने पहनने भेज दिया, पर सारिम आएगा कि 7 घंटों के बाद। गाइस 2000 years later मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने कहा भी था ये कि पैंट चेक करवा लो जो बढ़िया है, बात नहीं मानी मेरी, सारी चेक करनी है, तो यही रहना पड़ेगा हमें फिर। 2000 years later दिखाओ सारी, देख लो कौन गिर गया। अच्छा कोई बात नहीं, सारी पीछे से आके दिखाओ। वाह भाई, यो यो ऊपर करो शर्ट, ऊपर करो वेस्ट दिखाओ, इसको हम फोल्ड कर सकते हैं थोड़ी सी, वेस्ट दिखाओ, वेस्ट पूरी ऊपर करके बांध लो थोड़ी है, पूरा यो यो घूम के आया है अभी, बड़ा तो हो जा। हाँ बस ठीक है, इजी है, इसमें इलास्टिक नहीं होती है ना, इसकी जो पहले है जब इतना होगा कि ये इसकी वेस्ट के बराबर, फिर ये स्ट्रेच होगी, पैंट पहनने का आराम से तो अच्छी है, यहाँ से लूज होनी चाहिए कम्फर्टेबल, बस ठीक है। दूसरी भी इसी साइज की ले लो बस, ठीक है की ये कल को दिखाओ जो उनसी उन्होंने दी, नहीं सही है, सही है ये सबसे अच्छा, ये अच्छा साइज भी परफेक्ट है सर, सेम डिजाइन में वाइट नहीं है, नहीं क्यों वाइट नहीं है, वाइट क्या करनी है, वाइट या ऑफ वाइट या लाइट ब्राउन, घर में पहनने के लिए जीन्स ही ले लेते हैं सलमान, इसने एक शर्ट नहीं पहनना, करने का करना मैच नहीं हुई इसने, हमें तंग किया करना, पापा का दिल कर रहा है मैं सारी को ना पता नहीं क्या ले दूं, मैं छोटा हूं तो मैं जरूर ले लूं, ये मोटी ले दो, छोटा स्टफ तो नहीं है, सर्दियों में पहनने का कुछ नहीं, सर्दियों में ले लेंगे, ये मुझे अच्छी बहुत लगी है, लेके दो उसको, ये वाली ये एडिशनल में ले दो, पता नहीं कैसे यार जितने की भी है छोड़ो इस बात, ये है बहुत अच्छी चीज, ये अच्छी है। गाइस आज सारिम के पापा शॉपिंग करने आए हैं, सारिम की पहले मैं आती होती हूँ, आज बाबा शॉपिंग कर रहे हैं, आज ये वाली भी दे दो, वो वाली पैंट भी दे दो, ये कलर भी दे दो, आज ये चल रहा है। हाँ सारिम ने खरीदा है, कहते हैं ये तो पैंट पहन के साथ ही है, सर्दियों में पहन लेना जींस, सर्दियों गर्मियों सब में एक जैसी होती, गर्मियों में ये पसीना चूस, सारिम एक ये मैंने पसंद किया है आपकी, ये पकड़ के खड़ी हूँ मैं, इसको भी ट्राई करो, नहीं यही तो ली है बस, एक जाओ जाओ ट्राई करते हो, सारिम दो ये लो ना, किसी भी शर्ट के साथ बंदा पहन लेता है, साथ एक बेल्ट भी लेके दें, इसकी वेस्ट बहुत खुली है, बेल्ट ले, बेल्ट भी ले लिया, अच्छा ना सबको, सारिम ये वाली अच्छी लग रही है, सारिम के दिल को नहीं लग रही, ज्यादा अच्छी कैजुअल, सारिम बताओ मुझे बता दो बस, पापा को छोड़ो, काफी में ये पैन नहीं है, फिर ये ना कहना कि मैंने नहीं पहननी है, मुझे नुकसान, इसकी भी लेंथ के मुताबिक ही करनी, चल वो पार कर, चल जाइए, पापा ने आपको गिफ्ट दिया बर्थडे का, दोबारा जा, बर्थडे गिफ्ट है, कहता नहीं, कह रहा नहीं, अब इसका क्या लेने वाला है, इनके भी लेने वाले ही हैं ट्राउजर वगैरह, क्या कह रहा, मेरा व्लॉग ना बनाओगा, इस सारी बेल्ट ले रहा है, बोल बोल। गाइस सारिम कहता मैंने बर्थडे गिफ्ट कुछ और लेना है, ये मेरे पापा कह रहे ये सारिम का बर्थडे गिफ्ट नहीं, मैंने मानो नहीं लेना, तो बर्थडे नहीं करनी, हाँ करनी नहीं हमने, वो क्या होती बर्थडे, चल बेल्ट पूरी है परफेक्ट है, ये बेल्ट पूरी है सारिम के सामान से परफेक्ट, तो बाबा का साइज वाली है, अब आपका भी साइज बड़ा हो गया, सारिम बड़े हो गए, सारिम इधर देखो बड़े हो गए, रैन कर गई है सारिम ने ना इस शॉप को अपना सेकंड होम ही बना लिया, हमें मिरर मिल गया, और रैन कह रही मिरर में भी व्लॉग बना लो, अभी हमने दूसरी शॉप पे भी जाना है, वहाँ भी बनाना है, सारा व्लॉग इधर ही बना लोगे क्या आज, मेरे तो सारी शॉप से मिली, बर्थडे गिफ्ट मिली है गाइस सारी, नहीं मैंने मना किया, नहीं ये लो भाई बर्थडे गिफ्ट, क्यों बेटे बर्थडे गिफ्ट, नहीं मैंने नहीं वापस कर दी,
गाइस अब हम लोग जा रहे हैं अहमदाबाद और उमरान की चीजें देखने। टंटना 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 अहमदाबाद सो हैप्पी। चलो गाइस हम लोग आ गए हैं अभी यहाँ पर मिनी माइनर पर की चीजें देखने। साइड से आओ, यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी थी, गाड़ी साइड पे लगानी पड़ी है। पैर चलते हैं अंदर और लेते हैं चीजें। आ जाओ शॉपिंग कर रही है और कह रही कितना मजा आ रहा है ना। मिनी माइनर पे और कह रही मुझे सर्दी लग रही है, सर्दी लग रही है। नानी भी शॉपिंग कर ली है और ब्रैन ने भी कर ली है। मुझे भी दिखाना जी। पकड़ो ब्रैन। हो गई है शॉपिंग और ये हमदा खड़ी अपना बैग लेकर। दिखाओ भाई हमदा। हमदा जाकर सारी वार्डरोब अब चेंज कर देनी है, पुराने सारे जो कपड़े हैं वो निकाल देने हैं और न्यू रख देने हैं। हम बैग वार्डरोब चेंज हो जाएगी यार सारी। लेट्स गो। वार्डरोब भी होती है या सो नाइस ना। बड़ी हो गई स्कूल जाती हो। चलो चलो बाय बाय। बहुत खेल लिया। आ जाओ अब स्कूल जाती हो। स्कूल चलो। लो वो देखो हैप्पी ब्रैन इज सो हैप्पी। हाँ जी गाइस शॉपिंग करते करते अब हम बाबा को लेकर आ गए हैं यहाँ पर। गाइज शॉपिंग काफ़ी सारी हो गई है लेकिन इनके ट्राउजर्स नहीं मिले तो वो मैंने सोचा कि ना मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर लेती हूँ क्योंकि जैसे मुझे पसंद है ना वैसे यहाँ से मिल नहीं रहे। यहाँ तो कोई बड़ा शहर जाके हम शॉपिंग करें तो मिलेंगे और बहुत सारी वैरायटी ऑफ लगने की वजह से ना सेल भी हो गई है तो चीज़ें मिल नहीं रही हैं जी। सोने बाबा ने ये गाड़ी खड़ी की है, ये व्यू दिया है हमें और उस शॉप का इतना प्यारा व्यू नहीं दिया, ये दिया सारी गाड़ियां खड़ी है ना उन्हें दिखाया मैंने। और गाइस यहां से सन भी देख रहे हैं, हर तरफ खंभे वापटा ही वापटा फैला हुआ है और दिल वापटा लगती है। गाइस आइसक्रीम आ गई बच्चा तेरे चॉकलेट लग। दैट्स फॉर यू माय गर्ली। दैट्स फॉर यू माय गर्ली। चॉकलेट फ्लेवर नहीं मिला। चॉकलेट फ्लेवर बाबा को जान सी अच्छी लगी होगी वो ले ली होनी है। लेकिन ये बहुत टेस्टी होती है गाइस। स्वीट क्रीम की सारी में उसका टेस्ट ही चॉकलेट जैसा। सॉरी मैं रो रहा है। रोंदू कारण का लिखे सब रोंदू 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 बाबा भाई गाइस माशाल्लाह से रबी अव्वल का चांद नजर आ रहा है। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखो जी ये माशाल्लाह कल नजर नहीं आ रहा था आज रबी अव्वल का चांद नजर आ गया है। ईद मिलाद नबी का अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ मांगो। चलो सब दुआ मांगे गाइस सब दुआ मांगे मिलके अल्लाह ताला हम सबको जो है वो पेशादा रिज़्क़ अता फरमाए, सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए, हमारे बच्चों को नेक बनाए। मेरी तरफ से आपको ईद मिलाद नबी अब लगे हैं हम डिनर करने जिसमे हम ले आए हैं बस और साथ में देखेगा सारी मूवी। कौन सी मूवी देखेगा? हम यूएसबी में मूवी लेने जा रहे हैं पंजाबी। मैं हूँ पंजाब। ओके अच्छा अच्छा सारिम को तो भूख लगी है चाय बन रही है। चाय तब तक बन जाएगी। चाय के साथ कैसे गुजारा होगा और क्या खाने में? कुछ भी नहीं है कुछ ले आओ फिर बर्गर ले अंडा शमी। हाय गाइस सलमान साहब को तंग शंग कर लिया मैंने और यहाँ पे रख दिया मैंने चाय। ये देखें टिश्यू यहाँ पे काम बच्चों ने रखा हुआ इसको डालते हैं डस्टबिन में। खैर और चाय बन जाएगी अभी तो हम खाएंगे चाय पापे और डिनर में। हम दोहरा अंदर चली गई है गर्मी लग रही थी एसी शेसी ऑन किया अब बच्चे कर रहे हैं। ये देखिए अंदर टीवी टाइम चल रहा है। ये क्या हो रहा है यहाँ पे क्या आप लोगों ने प्रैंक किया? ये हम यूएसबी में मूवी भी ले आए बर्गर ले आए जलेबी ले आए सदा गर्मा के लिए सब कुछ लिया है। नहीं तो आप लोगों ने ये तो अच्छा नहीं किया मुझे इन्होंने कॉल की और मुझे कहते हैं हम बर्गर नहीं लेके आ रहे हैं फ्रिज में कुछ सालन पड़ा है ना वो निकाल लो हम रोटी ला रहे हैं। नहीं ये गलत बात है मैंने हम चाय पी ली ज्यादा पैकेट का भी हमने खा लिया सारी और ये लोग बाहर घूम के तो अब ये सारा कुछ लेकर आ गए ये तो गलत बात है ये तो बहुत
चलो घर में बाबा का खाना लेकर आऊंगा। इस दिनों ने हमारे साथ प्रैंक किया, ये अच्छी बात नहीं है, बहुत बुरी बात है, ऐसा प्रैंक नहीं होना चाहिए। किसका था सारिन का था लगता है ना, बताओ। हमारे साथ खुद प्रैंक हुआ। कौन मिले? एनी हाउ मिट्टी पाव। एनी हाउ मिट्टी पाव, चलो मैं जल्दी से आ जाऊं फिर देखते हैं। सो खैर गाइज, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की वीडियो, आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। मिलेंगे अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।